तुमको मतलब स्टेशन भी सामने पढ़ना था। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे देख सकते हैं बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। हम लोग को उतरना था बनारस, उतर गए भैया सिंहपुर, आगे चलाएं बनारस से। क्या हेलो फैमिली, आप सभी का एक न्यू बनारस ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं आ चुका हूँ गंगा के बगल में ही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग को तो ट्रेवल देखने मिला कि झाझा से बनारस आने में क्या क्या दिक्कत हुई और कितना टाइम लगा, सारा कुछ आप लोग को उस ब्लॉग में देखने मिला। और इस ब्लॉग में आप लोग को सिर्फ यहाँ का व्यू देखने मिलेगा। तो अभी हम काशी में हैं और यहाँ से पहले, क्योंकि अभी लगभग टाइम हो रही है 9:30, तो अभी ज़्यादा दूर पे तो फोटो वोटो वीडियो अच्छा से बन नहीं पा रहा है। तो मतलब शाम का व्यू यहाँ पे बहुत ही तगड़ा होने वाला, यहाँ पे शाम का आप लोग को व्यू दिखाएंगे। तो चलिए अभी जाके पहले चाय बिस्किट खाते हैं, पहले ब्रश करेंगे क्योंकि ब्रश नहीं किए हैं, तो ब्रश कर लेंगे। और यह स्टेशन पर नहाने मिल जाएगा, नहा भी लेंगे क्योंकि स्टेशन में नहाने के लिए वहाँ सुविधा होता है, आप पैसा देके नहा सकते हो। तो चलिए आप लोग को सारा कुछ देखने मिलेगा। और यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है ब्रिज पे ट्रेन क्रॉस कर रही है, बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को बैक कैमरे से दिखाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ से बोटिंग करके यहाँ का सारा व्यू आप अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब तगड़ा व्यू लग रहा है। वो बनारस शहर है, अभी तो वहाँ जाएंगे, पहले यहाँ का थोड़ा व्यू देख लेते हैं, आप लोग को सारा कुछ दिखा लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी पहले क्योंकि खाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि खाएंगे तभी पैदल चल पाएंगे। सही बात है। यहाँ से निकल रहे काशी स्टेशन, क्योंकि वहीं से जाके बनारस का ट्रेन लेंगे। मतलब 5 मिनट टाइम लगता है वहाँ से जाने में, या टोटो भी ले सकते हैं, लेकिन जाएंगे ट्रेन से क्योंकि पैसा नहीं लगेगा, पैसा बचाना पड़ेगा तो भाई ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। वो टिकट विकट नहीं लेंगे, टिकट। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बनारस में ही सारा कुछ, मतलब वहीं पे ब्रश करेंगे और वहीं पे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद वहाँ फ्रेश होकर उसके बाद आपको लोग को बनारस घुमाते हैं। मैं काशी स्टेशन जा सकते, देख सकते हैं ये गली, मतलब यहाँ ऐसा ऐसा गली बहुत सारा है। गली से निकलते हुए सीधे काशी स्टेशन दिखाई दे दिया, चलते हैं जल्दी से। अभी स्टेशन पे ही ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करके देखते हैं, अभी ट्रेन देखे तो एक भी ट्रेन नहीं दिखाई दे रहा है, इधर ब्रश कर रहा है तो एक भी ट्रेन यहाँ बनारस के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। या टोटो लेना पड़ेगा, पहले ब्रश कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, या पूछते हैं किसी से यह ट्रेन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो टोटो लेना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, कम से कम पैसे में यहाँ से ट्रेवल करके निकल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, सारा कुछ आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। के लिए निकाले थे लेकिन तुरंत ट्रेन आ गई तो जल्दी से बैठ गए हैं, और यहाँ से मतलब 5 मिनट लगती है बनारस जाने में। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को बनारस में। ट्रेन खुली नहीं है लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो चूड़ा भुना हुआ लाए थे तो वही खा रहे हैं। तो सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे जो हम लोग स्ट्रगल करेंगे सारा कुछ। और आप लोग को अंदर का बात बताएं, हम लोग को ये भी नहीं पता है रुकेंगे रात में कहाँ, पता है नहीं, कुछ नहीं पता है। अभी देखते हैं कहाँ रुकेंगे, ऐसे तो होटल तो नहीं लेंगे क्योंकि उतना पैसा नहीं है भाई। जो बताएंगे आप लोग को मैं खुली, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो तो आप लोग को नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा। तो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग रूम लेंगे। तो सलाह ये दुख का ख़त्म नहीं होता भे। तो अभी तो दिन भर तो घूमने वाले हैं और आप लोग को तो सारा कुछ ब्लॉग में अपडेट मिलते रहेगा। तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि घर से चूड़ा भुन के लाए थे और लिट्टी लाए थे, वही सब नाश्ता, मतलब नाश्ता के लिए। खाना तो दोपहर में खाएंगे ही 2-3 बजे। तो चलिए ब्लॉग का एंजॉय लेते रहिए। हम लोग को उतरना था बनारस, उतर गए भैया सिंहपुर, आगे चलाएँ बनारस से। क्या तुमको मतलब स्टेशन भी नाम नहीं पढ़ने आता, गजब बेइज्जती है। चल 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 जल्दी चल यार, ये ट्रेन नहीं रुके। फिर यहाँ से कोई ट्रेन तो मिलती नहीं है, देखते हैं या टोटो लेना पड़ेगा, टोटो भी जाएगी कि नहीं। यार बहुत आगे चला है बनारस से, बहुत ज़्यादा आगे, कोई ट्रेन नहीं आ रही, मालगाड़ी आ रहा है, देख रहे हैं। चलते हैं जल्दी भाई, ए इधर चलो रे, चलो टोटो लेंगे, देखे टोटो से जाएंगे। अब जा रहे हैं वो साइड, देखते हैं टोटो वोटो मिलता है कि नहीं।
यार कितना बड़ा धोखा हो गया, उतरना चाहिए कहाँ। अभी ये ट्रेन जो जा रही है उसी ट्रेन से हम लोग आए थे। हमको बनारस जाने के लिए ट्रेन नहीं आती है ना, जाए कैसे? हाँ ऑटो जाती है ना। चलो 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 यार, अभी यहीं टोटो से उतरे हैं। कितना परेशानी हो गया, पैसा बचाने के चलते पैसा ही चला गया। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे वाराणसी जंक्शन है, यहाँ से यहाँ पे ट्रेन आई थी, हम लोग यहाँ पे उतरे नहीं, सोचे बनारस जंक्शन आएगी और चला गया दूसरा जगह। हम लोग दूसरा भ्रम में थे और अब भी जस्ट यहाँ पे उतरे, फिर यहाँ 30-30 रुपये भाड़ा लग गया, 60 रुपया। और फिर यहाँ से अब निकलने वाले हैं लंका। लंका क्यों जा रहे हैं तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए आप लोग को वाराणसी जंक्शन का व्यू दिखा देते हैं यहाँ से।